विक्की कौशल ने कटरीना को लेकर दिया ये बयान। दिशा पाटनी हुए इंजर्ड। अक्षय के सक्सेस को लेकर सुनील ने दिया बड़ा बयान। डालिए आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नज़र। विक्की कौशल ने पत्नी कटरीना की तारीफ करते हुए उन्हें अपना गुरु बताया है। उन्होंने कहा वो बेहद शानदार डांसर हैं और उन्हें सिनेमा में डांस करने के बारे में भी काफी जानकारी है। उन्हें मालूम है कि कैमरे के सामने सब कैसे होता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसलिए मैं उनसे मार्गदर्शन और सीख लेता हूँ और सच में वो मेरी बहुत मदद करती हैं। वो बहुत क्रिएटिव रिएक्शन देती हैं जिससे मुझे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू में जब सुनील शेट्टी से अक्षय को लेकर सवाल किया गया कि क्या वो उनसे इनसिक्योर महसूस करते हैं, तो रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, नहीं, मैं अक्षय से इनसिक्योर फील नहीं करता। अक्षय मुझे इंस्पायर करते हैं, सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं बल्कि उनके फोकस को लेकर भी मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। किसी की सफलता से मुझ पर प्रेशर नहीं आता है। हेरा फेरी 3 से अक्षय की एग्जिट और कार्तिक की एंट्री के बाद फिल्म को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन हेरा फेरी 3 का हिस्सा होंगे या नहीं ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन फिल्म साइन करने से पहले एक्टर ने मेकर्स के सामने एक शर्त रखी है। कार्तिक चाहते हैं कि वो पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद ही फिल्म करने की हामी भरेंगे। मेकर्स ने कार्तिक को भरोसा दिलाया है कि फिल्म में उनका रोल अक्षय कुमार के किरदार से बेहद अलग और हटके होगा। दिशा पाटनी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना एक फोटो शेयर किया है जिसमें वो पैरों पर लगी चोट को सेकती नजर आ रही हैं। शाहरुख खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म डंकी और पठान का एक्सपीरियंस शेयर किया है, साथ ही फिल्म की कहानी की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये कॉमेडी फिल्म है। हिरानी की फिल्में हमेशा कॉमेडी और देश के बारे में बहुत सारे इमोशन का मिक्सचर होती है, इसलिए ये मेरे लिए एक बड़ी जर्नी है। पठान के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, मैंने कभी कोई एक्शन फिल्म नहीं की, मैंने कुछ स्वीट लव स्टोरी, कुछ सोशल ड्रामा और कुछ बैड बॉय के रोल किए हैं, लेकिन कोई भी मुझे एक्शन के लिए नहीं ले रहा था। मैं 57 साल का हूँ, इसलिए मैंने सोचा अगले 10 सालों तक मैं एक्शन फिल्में करता रहूँगा। आयुष्मान खुराना की फिल्म एंड एक्शन हीरो को फैंस का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। आयुष्मान के लिए अजय देवगन की दृश्यम 2 और वरुण धवन की भेड़िया को टक्कर देना आसान नहीं रहा। यही कारण है कि रिलीज के पहले दिन ही फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी रही। रिपोर्टेडली ओपनिंग डे पर एंड एक्शन हीरो ने महज 1.31 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म भोला की शूटिंग के सेट से अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो स्कूटी से भागते नजर आ रहे हैं और उनके पीछे लोगों की भीड़ है। सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो फैंस से चारों तरफ से घिरी नजर आ रही हैं, साथ ही उन्होंने कैप्शन भी लिखा है, डालिए एक नजर। दृश्यम 2 एक्ट्रेस रिया सरन एक इवेंट में अपने पति के साथ नजर आई, लेकिन इस दौरान शॉर्ट ड्रेस में वो अनकंफर्टेबल दिखी जिसका वीडियो सामने आया है। दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट फोटो शेयर कर सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है जिसमें वो पूल का मजा लेती नजर आ रही हैं।